तो बाद इस इबलीस नूं दोजख दे अंदर डाल दिता जाएगा। यही इहदी कबार होगी। दूसरी सूर जिहड़ी है वह 40 साल तो बाद फौंकी जाएगी। ये जिहड़ा 40 साल का अरसा है इधर ही उन्हूं मौत आएगी। और यह जिहड़ा दोजख है वह एदा कबरस्तान बनेगा, वही इहदी कबार बनेगी। 40 साल तक ये सड़दा रहेगा। अजीजा ने मन आखिया जाएगा कुर्सी जिहड़ी है अग दी कुर्सी होवेगी, उहदे ते इहनूं बिठा दिता जाएगा। फिर अल्लाह इहदे गल जिहड़ा लहनत दा तौक पा देवेगा। अल्लाह जदों लहनत दा तौक पावेगा फिर फरमावेगा फरिश्ते इहनूं कुर्सी तों उठाओ। जिहड़े फरिश्ते उत्थे मौजूद आवणगे इहनूं कुर्सी तो उठावणगे पर कुर्सी तो उठा नहीं सकणगे, पर कुर्सी तो इहनूं हिला नहीं सकणगे। फिर हुक्म होएगा जिबरील तू इहनूं उठा। जिबरील होए जिंदा एक पर मशरक दूजा मगरब दे अंदर जांदा है। एडा वड्डा जिबरील अपनी ताकत लावेगा पर इहनूं कुर्सी तो उठा नहीं सकेगा। फिर अल्लाह होर फरिश्तियां दियां जमातां इसराफील नूं भेजेगा, मिकाईल नूं भेजेगा, जाओ तुसीं इहनूं उठाओ। ओह वी अपनी पूरी कोशिश करणगे, बड़ा इहनूं जोर लावणगे। अज़ीज़ां ने मन उठाणा ते दौर दी गल है, इबलीस नूं हिला वी नहीं सकणगे। उदों आवाज आवेगी परवरदिगार आलम फरमावे गायो मेरे फरिश्तियो मैं सारिया फरिश्तियां नूं वी भेज देवां। अजीजा ने मन तदा दिनी है दो ते साडे नाल ने। हदीसे पाक के चांदे हर मोमिन दी 9 फरिश्ते हिफाजत करदे ने। ला तदा दो बेशुमार फरिश्ते फरमाया सारे फरिश्ते अज इकट्ठे हो के वी इन्हों कुर्सी तो उठावण इन्हों उठा नहीं सकदे। इहदा राज की है? इहदा राज सी जिहड़ा गल उहदे लहनत दा तौक पाया गया है। परवरदिगार आलम दी पाक जात फरमाया उस वेले तक इन्हों कोई हिला नहीं सकदा। जिन्नी देर तक इहदे गल विच साडी लहनत दा ताक है। सुनो सुनो लहनत एडी मालिक दी जिहड़ी है ओ बुरी चीज है, एडी जिहड़ी सख्त है फरिश्ते नहीं उहनूं हिला सकणगे। अजीजा ने मन सानूं वी दस्या गया है बंदिया मौत ते आणी आणी है, उस वेले नूं याद कर। इज़ा समां फतरत उस वेले नूं याद कर जो आसमान फट जाएगा। वही दल कवा कि बहुत सारा उस वेले याद कर जदों सितारे बिखर जावणगे। वही दल बिहार फुजी रत फरमाया समंदर बहा दिते जावणगे। वही दल जवाब दल बिहार फुजे रत फरमाया वही दल कुबो और बहुत से रात है कबरां करी दियां जावणगियां। आलिमत नफ्स कदामत वाखारत फरमाया उस दिन हर जान इस गल नूं जान लवेगी मैं अगे की भेजिया ते पिछे की मेरा रह गया। फरमाया उस दिन सारिया जाना जान लवेंगिया। अल्लाह फरमाएगा या
अयोल इंसान मा गर्रा गावे रब्बे गल करीम। ओ बंदिया मैनू वे ते दस ओ केड़िया चीजा सी जिन्ने तेनू मेरे तो दूर रखिया, ओ केड़िया चीजा विच पै गया सी। शम सो कु रत है फरमाया जड़िया धुप वेखदे पियो ओ दिन आवेगा। इसदा शम सो कु रत अल्लाह इस जुजम धुप नू लपेट देवेगा। उस दिन छड़ाए उस दिन नफसो नफसी दा आलम होवेगा। अजीजा ने मन ये बयान करन दा मकसद ये है कि असा सारिया ने मौत नू मिलना है, इन्हें तो किसी का भी कोई इनकार नहीं। डरिए भी इस कायनात के अंदर आए ने, ऐसे लोग भी आए ने जिन्ना मालिक का इनकार किया, जिन्ना मालिक नू नहीं मनिया, वजूद नहीं मनिया, लेकिन मौत का किसी भी इनकार नहीं किया। उन्होंने भी यकीन है कि एक दिन मौत आएगी। हाथ हिलते पे ने यह साके नू जावणगे, ये सारियां नू पता है, सानू चलदे पैर रुक जावणगे। अजीजा ने मन कुछ भी नाल लैके नहीं जाना। बड़े जड़े ने हौल नाकियां ने, बड़े अजीबो गरीब मामलात ने। ये हर इंसान अगे अल्लाह जल्ला शानू दी पाक जात नू जदों इन्हें कहा ना मैं सारियां नू काला रब्बी बे मा अगवैतनी ला उज़ैयनन्ना लहुम फिल अर्दे ला उग़विजन्नहुम अजमाइन, मैं तेरे सारियां बंदियां नू बहकावे पा सारियां तेरे राह तू हटावांगा, सारियां गुमराह करांगा, कोई तेरे राह ते नहीं चलन देवांगा। अल्लाह फरमाया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तू याद रख तेरा जोर सिर्फ उन्हां ते चलेगा जेड़े मुखलस नहीं होवणगे, जेड़े मेनू सच्चे दिल नाल नहीं मन्नणगे, जेड़े मेरे सच्चे पैरोकार नहीं होवणगे, सिर्फ तेरा उन्हां ते जोर चलेगा। लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, याद याद रख जेड़े मेरे मुखलिस होवणगे, जेड़े मेरे सच्चे होवणगे, जिन्हां ने सिदके दिल नाल मैनू मन्निया होवेगा उन्हां दा तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदा। वेख अल्लाह केडे फखर नाल पिया कहिंदा है। अजीजा ने मन अज जे इहदे पिछे चलीए ते अल्लाह जिहड़ा साडे ते हजार हा रहमतां नेमतां दित्तियां ने, मालिक ने साडे ते हजार हा करम कीते ने, अल्लाह ने सानू जिहड़ा है ओह की कुछ नहीं दित्ता। मालिक दे मालिक ने साडे बारे आके ओ लोग जेड़े मुखलिस होवणगे तेरे बकावे विच नहीं आवणगे। अल्लाह फखर नाल पिया कहिंदा है रब्बे लम यज़ल दे दरबार अंदर दुआ है अल्लाह तबारक व ताला सानू उन्ना मुखलिसीन दी साफ विच करे, सानू अल्लाह तबारक व ताला उन्ना मुखलिस बंदियां दा दुनिया दी अंदर कबर दी अंदर माशर दी अंदर साथ नसीब फरमाए। कुल्लो मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, अल्लाह दा दा पूरा हो गया, इबलीस शैतान नु भी मौत आ गई वह भी खत्म हो गया, इजराइल सलात वसलाम नु भी मौत आएगी, हजरत हजरत जिहड़े ने जिब्राइल सलात वसलाम नु भी, मिकाईल अलैहि सलात वसलाम नु भी, इसराफील अलैहि सलात वसलाम नु, यानी सिवा है अल्लाह दे वया बका वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, सिर्फ तुआडे ते मेरे परवरदिगार ने ही हमेशा रहना है। वह हमेशा तू है, वह हयो है, वह कयूम है, वह जिंदा है, हमेशा मन आला है। रब्बे लम यज़ल दे दरबार अंदर दुआ है इन्हां चंद गल्लां नू सोच समझ के मौला करीम असानू भी अपनी मौत दा वेला याद रखण दी सआदत अता फरमाए, और कदम कदम ते अपनी नाराजगी तो अल्लाह तबारक व ताला सानू बचाए, और अपने कुरब वाले काम करण दी सआदत अता फरमाए। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।